इस वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नोट्स डिस्कस करेंगे यूनिट टू के। इसमें मोस्टली आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, वेव इक्वेशन प्रॉब्लम्स मिलेंगी। सो फर्स्ट जो है वो है इनिशियली डिस्प्लेस्ड वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी। सो उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है यहाँ पर डिस्कस की है। एंड लास्ट की जैसे हमने यूनिट वन में डिस्कस किया था कि केसेस डिस्कस हुए हैं इसमें लैम्डा के, जीरो के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो हियर इज केस टू, केस थ्री एंड द फाइनल सॉल्यूशन। और ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है सॉल्व बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। देन ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है वेव इक्वेशन विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। लैम्डा के केसेस हैं यहाँ पे। एंड दिस इज लास्ट केस, फिर उसके बाद सॉल्यूशन है। मैंने नोट्स में हर एक चीज़ क्लियरली मेंशन की हुई है तो आपको कोई उससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लास्ट में इसका सॉल्यूशन है। देन एक और प्रॉब्लम है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की, ये इसका सॉल्यूशन है। And this is the final answer. Next is wave equation in an unbounded medium. So ये इसका question है, solution यहाँ से start है। Last जैसे हमने cases discuss किए थे lambda के, तो वही same किया हुआ है। हो सकता है इसमें यहाँ पे shortcut में भी लिखा हो, क्योंकि बार बार ये cases जो हैं repeat हो रहे हैं, तो जो आपको solution मिलेगा हर cases में वो mention है इसमें। देन नेक्स्ट ये आगे इसका सोल्यूशन कंटिन्यू है। फिर यहाँ पे हमने टी के लिए भी निकाला, जैसे एक्स के लिए निकाला था, एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद। देन ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, सॉल्व थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। देन दिस मैंने हर एक स्टेप के बाद लिखा हुआ है कि हमने किस चीज़ को किससे इक्वेट किया है। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की पिक्चर चाहिए होगी तो मैं वो आपको इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो यूनिट वन के नोट्स मैंने अपलोड किए थे वो भी मैं इस वीडियो के लिंक में अटैच कर दूंगी। अदरवाइज़ आपको प्लेलिस्ट में भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट है ऑब्टेन अ सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो यहाँ पर इसको सॉल्व किया हुआ है। और ये है इसका फाइनल आंसर। द लास्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इक्वेशन, ये इसको सॉल्व किया हुआ है, इसकी डेरिवेशन है।